हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल करियर प्लान। मैं कुणाल शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतनी आसानी से सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट What the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division method? If so, how? इसमें हिंट भी दिया हुआ है सवाल को करने के लिए। Study the remainders while finding the value of 1/7 carefully. तो देखिए इसमें सवाल में क्या बोल रहा है, जैसे कि हमें पता है 1/7 का जो डिवीजन करके आंसर आता है वो आता है 0. कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ये आता है आंसर। तो इन सब का आंसर क्या आएगा, डिवाइड करके तो हम बढ़िया आसानी से ले आएंगे, लेकिन यहां पर इसमें बोला है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसने हमसे मना कर दिया कि भाई डिवाइड तो करनी ही नहीं है, तो इसके आंसर लेके आना है बिना डिवाइड के। और इसने हमें हिंट दिया है स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1.7 केयरफुली। इस रिमाइंडर को स्टडी करके आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। सवाल बहुत ही इजी है, मैं अभी करवाता हूं इसको, वीडियो को एंड कर देखिए। तो इसको मिटा देते हैं 7, ठीक है, बिना डिवाइड करे किस तरीके से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, रिमाइंडर को पढ़ना है। देखिए जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर ये आता है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर ये आता है। देखिए तो क्या है, जो हमने ये डिवाइड किया ये आया, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान है। 2/7 का कैसे करेंगे, 2/7 को 2/7 है, जरा इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करोगे तो इसको क्या आ जाएगा, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। यहां पर सिर्फ एक स्टेप लूंगा डिवाइड का, बाकी सवाल आपको खुद आ जाएगा, एक सेकेंड में सॉल्व होगा पूरा सवाल। देखिए क्या है, यहां पे आपको पता है कि ये नीचे वाला बाहर आता है और ऊपर वाला अंदर आता है, मतलब 2 यहां आ जाएगा और ये 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा छोटा है, तो 0.0 लगाकर क्या 0 जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 × 14, तो 2 बार जाएगा ये 14, ठीक है। क्या बचेगा यहां पर, 6 बचेगा। अब देखिए 2 है ना, यहां पर 2 किधर आ रहा है, ये रहा 2। अब 2 को यहां पर ले लीजिए तो क्या आएगा मेरा आंसर इसका, 0.2। अभी तक तो 2 है ना, 2 के बाद क्या है आपके पास, यहां पर इसमें जितने भी डिजिट है ना सबको सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। 2 है, 2 के बाद क्या रहा है, 8, 5, 7, क्या रहा है, 8, 5, 7, फिर रिपीट कर दो 1, 4, बस यहां तक लिखना है आपको, क्या लिखना है, 8, 5, 7, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 1, 4 पर बार, ठीक है, आपका आंसर इस वाले का ही हो जाएगा। प्रूफ भी करके दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पर 2 आ गया, 6 है, पॉइंट है, तो यहां 0 हो जाएगा, 7 किस से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 7, 8, 56, ठीक है, 8 बार ही हो जाएगा 56। 56 आ गया, माइनस करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, पॉइंट है यहां पर 0 लगाऊंगा, 40 हो गया, 7, 5, 35, देखिए 5 आ गया ना, 8 भी आ गया, 5 भी आ जाएगा, 7, 5, 35, ठीक है, 7, 5, 35, तो इसको अब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5, पॉइंट है, 0 लगेगा यहां पर। अब क्या है, 7, 7, 49, देखिए 7 भी आ गया, 7, 7, 49, 49, ठीक है, बचेगा क्या 1, जब ये 1 बचेगा, यहां पर मैं ले लेता हूं इस 1 को, बचेगा 1, अब पॉइंट है हमारे पास तो 0 लगाएंगे, 7 कितनी बार जाएगा, 7 × 7, तो एक बार जाएगा, देखिए 7 के बाद यही 1 आ गया, 7 × 7, अब यहां पर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, पॉइंट है 0 लगाएंगे छोटा है, तो 7 × 4, 28, देखिए 4 भी आ गया, 7 × 4, 28, ठीक है, बचा गया 2, देखिए यहां पर सेम वही बन गया 20, ठीक है,
टू पॉइंट है, जीरो लगाऊंगा, फिर क्या आएगा ये 7 × 14, फिर से 2 पे ही आ गया, मतलब ये ही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसके ऊपर 12 है एक्चुअली, क्वेश्चन में मैंने लगाया नहीं है, यहां पर देख लीजिएगा आप, ठीक है, इसके ऊपर 12 है, तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा ये, तो क्या होगा इसके ऊपर 12, तो रिमाइंडर्स को इसी तरीके से रीड करना है। अब बात करते हैं 3/7 की, क्या 3/7, 3/7 को देख लीजिए, अब हमें हमारे पास क्या है यहां पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये, बस इसकी थोड़ी सी डिवाइड लेनी है हमें, डिवाइड भी अगर आपको वैसे भी आता है तो कर लीजिए, क्या होगा यहां पर 0 पॉइंट, यहां पर 0 लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 4 बार गया, 4 कहां पर है यहां पर, बाकी सब रिमाइंडर्स को रीड करके लिख दीजिए, 4 आ गया, 2 8 5 7 1 2 8 5 7 1, चेक कर लीजिए डिवाइड करके, आंसर आपके सामने है, ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, 4/7 की, ठीक है, अब 4/7 को करेंगे आप, नीचे वाला बाहर आता है, डेनोमिनेटर बाहर आता है, न्यूमरेटर अंदर आता है, ठीक है, 7 और 4 हो गया, अब 0.4 है या 0 लग जाएगा, 7 × 5 = 35, तो क्या आ गया यहां पर 5, 0.5, 5 कहां पर है, यहां पर है, सभी रिमाइंडर्स को रीड करके लिख दो, 5 आ गया, 7 1 4 2 8, 7 1 4 2 8 पर 12, ये देखिए इस तरीके से आपके आंसर आएंगे, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके दिखा दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं 5/7 की, ठीक है, 5/7 की बात करें तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए डिवाइड करो इसको भी, यहां पर अगर मैं 5 लिख देता हूं, पॉइंट लगेगा, 0 जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 आ गया, मतलब क्या होगा ये 0.7, ठीक है, अब 7 कहां पर है, यहां पर है, तो इन सभी को रीड कर लो, 1 4 2 8 5, क्या आ जाएगा 1 4 2 8 5, इस पर बार आ जाएगा पूरे में, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले, और अब बात करते हैं 6/7 की, 6/7, ठीक है, 6/7 किस तरीके से होगा, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका, देखिए यहां पर, यहां अगर मैं 6 लिखता हूं, 6, ठीक है, तो क्या है यहां पर 0 पॉइंट है, यहां 0 आ जाएगा, 7 × 8 = 56, 8 बार होगा 56, ठीक है, तो क्या आ गया 8 आ गया ना यहां पर 0.8, ठीक है, 8 देखिए कहां पर है, यहां आएगा, तो सबको रीड कर लीजिए 5 7 1 4 2 5 7 1 4 2, ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे, बहुत ही इजी सवाल है, बस क्या है रिमाइंडर्स को रीड करना है आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।